बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यशाला का आयोजन विकास भवन के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यशाला में कायाकल्प योजना, नई शिक्षा नीति, पोषण वाटिका सहित विभाग के अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित एडीओ पंचायत बाल विकास पुष्टाहार व आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मौजूद रहे। सबसे पहले ऑपरेशन आंगनवाड़ी कार्यकल्प है और इसका एक वस्तु स्थिति विश्लेषण है और जो उसके बाद इसका सेशन है वो बाल मैत्री अवधारणा और तकनीकी विवरण कार्यकल्प योजना है और फिर आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा। दूसरा स्वच्छता और अवस्थापना सुविधाओं को लेके है, उसके बाद फिर अगेन आपका क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा। पंचायती राज डिपार्टमेंट का आंगनवाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बारे में डी के साहब आपको देंगे। नई शिक्षा नीति के बारे में जो आपको बताया जाएगा, तो इस तरह से आपके जो सेशन है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो तैयार किया गया है। तो मॉडल आंगनवाड़ी बनाने की कोशिश की है तो कुछ हद तक हमें उसमें सफलता मिली, वो उसमें भी आपकी विजिट कराए पहले दिन मिले थे और उस दिन के बाद आज जो है कितना डिफरेंस आया वो आपको बताना है। सर को दिखा देंगे तो पहले हमें अच्छा लगेगा, कल परसों और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। किसको बताना आपने? एडीओ पंचायत आपके साथ बैठे हैं, जो पंचायत भवन को ठीक कराते हैं वो आपने लर्न करना है, नीचे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तक पहुँचाना है, जिसको हमें ट्रेनिंग दो। सुपरवाइजर्स के लिए बोल रहा हूँ, काउंसलिंग रूम है, टॉयलेट है, यूरिनल है, प्ले एरिया है, किचन है, वेरांडा, तो उसको हम बना सकते हैं। और विद्यालय कार्यकल्प में ऐसे इनोवेशंस की बयान ला दी है कि आप अगर अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा निर्भर करें उतनी बेहतर। नेक्स्ट, तो अब देख, और बच्चों का विकास और बच्चों की सुरक्षा, कि बच्चे सबसे ज़्यादा सुरक्षित घर और माँ के पास रहें, जैसा आपने कहा, तो उसी तरह अगर वो घर से हम बाहर निकाल के लाते हैं तो उसको सुरक्षित वातावरण में रखें, वरना रखने का कोई मतलब नहीं। फिर जज्बा, और अभी मैं डीएम साहब और श्री साहब को जिक्र करना चाहूँगा कि अभी श्री साहब ये जो अभी इन्होंने से लिस्ट निकला, तो लगभग ये सारे लिस्ट जो हैं 19 कॉम्पोनेंट आप लोगों ने ये बता दिया। बाल मैत्री मुद्रालय सहकारीकरण, महिला शौचालय सा इंसुलेटर, क्योंकि वहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी वर्कर भी है, हमारी हेल्पर भी है, प्लस हमारी गेचंडी में महिलाएं आती हैं वहाँ पर, तो उन सब के लिए दाखिल महिलाओं के लिए भी अगर है तो इंसुलेटर हो। बाल मैत्री गुणवाई चौड़ाई ऊंचाई बच्चों के अनुकूल होनी चाहिए। स्वच्छता सुविधाओं में सतत नल जल आपूर्ति,